और बद्रीनाथ से बाढ़ की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अलकनंदा नदी में बाढ़ आने से एक युवक कैसे पानी की तेज धार में बह गया, ये तस्वीरें आपको देखें जरा, ये देखकर आपको भयंकर हैरान करेंगी। ये देखें ऊपर से लैंडस्लाइड और जिस तरफ ये व्यक्ति किस तरीके से पानी की तेज धार में बहा जा रहा है, ये देखें आप। निकल जाएंगे ना आराम से, इसने निकलने की कोशिश की लेकिन देखें आप, वही मत रास्ता भी नहीं है यार। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति स्कूटी से जा रहा था और लैंडस्लाइड में बह गया, और ये पानी की धार देखें आप, ये अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है अभी कैसे भी करके, पत्थर पकड़ा हुआ है इसने, लेकिन ओहो ये देखें अफसोस, पानी के प्रलय के आगे किसी की नहीं चलती। आदमी बह गया, गया यार, अरे यार ना निकल जाएगा ना आराम से आ जाएगा वो, फिर दिक्कत नहीं। हाँ वही मत रास्ता भी नहीं है यार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। शहर में बारिश का पानी भर गया है, सड़कों पर समंदर जैसे हालात हैं। आलम यह है कि कई घरों में पानी घुसा हुआ है, वहीं शिप्रा नदी के किनारे एक मंदिर आधे से ज्यादा डूब गया है। तस्वीरें देखें आप किस तरीके से, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें हैं, किस तरीके से महिला जा रही है, और ये देखें आप ये स्कूटी कहां तक पानी में डूबी हुई है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ, ये देखें आप, लोगों के लिए चलना मुश्किल हो गया है। उज्जैन की तस्वीरें हैं, दरअसल इसके पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं। वजह यह है कि जिस तरीके से एनक्रोचमेंट हुआ है उससे जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है वो सब ठप पड़ गया, और उसकी समय समय पर ना तो सफाई हो पाती है, और जहां पर एनक्रोचमेंट हुआ है वहां का ड्रेनेज सिस्टम तो वैसे ही खत्म हो गया है।